ये विपव उत्सव है। करंट बालाजी मंदिर में श्री करंट बालाजी महाराज की असीम कृपा है और लगभग 25 सालों दीप प्रज्वलित अति सुंदर और रंगोली और अंगारे नृत्य माटी की रंगोलियां भी बनावे है। इन सभी भक्त गणों के सहयोग वो बहुत ही अति सुंदर प्रोग्राम हुए और विशेष बात है कि पहली हवा चाले और जब दीप को समय आवे बीच टाइम पवन देवता एकदम शांत हो जावे तो इनकी बहुत लंबी महिमा है और मैं ज्यादा नहीं बता करके अति बताऊं। हाँ, लगभग भारी शानी दी में 31 साल हो गया और मन एड्रेता ने 40 साल हो गया। एक माह के कई कार्य करता है प्रवीण जी जोशी चौथमल जी नरेंद्र जी और भी मन नाव को नहीं आता है। 31 साल पहली नहीं आई बैठा बात चाली प्रवीण जी जोशी क्यों जी दीपक जगावा जाए क्यों तेल में क्यों तेल की चिंता बनी ते फरिया जाओ क्यों फरिया मंगा दी मैं 3 बोरी बी टेम फरिया को बहुत ही प्रसन्न हो। तो माँ के प्रवीण जी जोशी बोल गया और शुरुआत बोस सज का कार्य करता दुर्गा दल सेवा समिति बहुत ही रोड पर वर्ष लगाया और 31 साल हो गया हो बहुत ही अति सुंदर व्यवस्था हो रही है। अब तो बहुत ही भक्त गण जुड़ गया। 1-3-4 किलो तेल की बात ही मैं क्यों तेल की कोई परवाह नहीं मांगने की कोई जरूरत बनी पहली फरिया सजाओ तो अब तो सुंदर अब तो बात ही छोड़ो आगे आगे बढ़ते जा रहे है। तो बालाजी की असीम कृपा है। कई बार तो इतना तूफान आवे है तो सगा बैठ रहे हनुमान चालीसा को पाठ करा और 11 नारियल ए लोग बदार करके शुरुआत करे तो मैं बालाजी महाराज की पूर्ण कृपा समझू मारी सानिधि में और आ लोगों को मार पर बहुत ही स्नेह है। थोड़ी गड़बड़ है तो महाराज जी बालाजी थोड़ी अरदास करो तो मैं तो बाबे के चरणा में बैठ करके आई कहा बाबा शांति तो कार्यक्रम सट जावे और सभी भक्ता ने सदबुद्धि देवे क्योंकि ये एक विकृति पैदा करनी बहुत ही गड़बड़ है। कोई भी संप्रदाय हो कोई भी जाति हो कोई भी धार्मिक आयोजन है तो बिन सगड़ा मिल करके सहयोग करना चाहिए। जगह तो होनी अरे दुष्ट लोग है जिसका दिन विघ्न पटके विघ्न नहीं कोई संप्रदाय हो मानने भी मतलब को नहीं धार्मिक प्रोग्राम है पर सब ने ये भारत भूमि है ये सनातन आदि अनादि है और इस पर कथा भी आक्रंत आकर के आक्रमण करो लेकिन वो नष्ट नहीं हो और नहीं होगो। इस वास्ते सभी सज्जन कान खोल के सुन रहे हैं कि कोई भी संप्रदाय कोई भी जाति हो अच्छा प्रोग्राम हुए तो सब ने मिलकर के भाईचारो और सहयोग बढ़ाना चाहिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम जय श्री बालाजी। वाह 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 वाह
श्री प्रसोदयात् स्वाहा वन्यस्ताय विद्वै वायुत्राय दीते आज के इस लोका जल दीपोत्सव के बारे में क्या कहना चाहिए। ये दीपोत्सव दुर्गा जल द्वारा कई वर्षों से चल रहा है। भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए दुर्गा जल बहुत अच्छा काम कर रहा है। दीप हमारे जीवन में प्रकाश करे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस भावना को साकार करने के लिए दुर्गा जल लगातार लगा हुआ है। सबको शुभकामनाएं। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम चलता रहे। बालाजी महाराज के परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 31 सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है। शुरू से ही हम इससे जुड़े हुए हैं और सब जितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं सब हमारे साथ के कार्यकर्ता हैं। बालाजी महाराज उनके परिवार को जो दर्शन करने आते हैं उनको सबको सद्मार्ग प्रदान करें। ये दीपोत्सव का कार्यक्रम दुर्गा जल द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है और दीपावली के राम राम के दूसरे दिन प्राय ये कार्यक्रम होता है। जैसा ये बताया गया 31 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर हो रहा है और हम इससे जुड़े हुए भी हैं और प्रतिवर्ष दीपोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ये जो आयोजक है उनके प्रति शुभकामना है और ऐसा भव्य कार्यक्रम करने के लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरा आग्रह है श्रीमान माधव प्रताप प्रजापत से कि कार्यक्रम लेके आ रही है। आपसे निवेदन है कुछ रेडियो का पालन करें, जो रुपया बनी हुई है और किसी अन्य दर्शक को भी यकीन देना हो आगे बढ़ रहे हैं अपने दिल में और ज्यादा संजोते हुए नाम ले आपकी सुविधाओं के लिए रेलिंग व्यवस्था की गई है। कृपया एक जगह खड़े ना रहे
और रात के साथ के अन्य दर्शकों की सुविधा के लिए की गई है, उसका पालन करते हुए आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए और कार्यक्रम का आनंद लो। कार्यक्रम के संयोजक, संस्था के अध्यक्ष और महावीर जी प्रजापत, प्रवीण जी जोशी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप बालाजी मंदिर दरबार में उपस्थित हुए, साथ में मंत्री महोदय भी, संस्था के संयोजक, संस्था के मंत्री और निकी भाई साहब की आगे राम को एक ले लाडू लाइव हो और इस दृश्य को दुर्गा मेल सेवा समिति के बारे में आज अरे बिल्कुल आनंद का विषय है और बहुत चारों ओर चमकती है रोशनी और सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बड़ा आनंद का विषय है और मैं तो चाहता हूं सनातन धर्म में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, सभी को भाग लेना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज के दुर्गा दल प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी हो रही है और ये हमारा हर साल लाडनु में होते हैं, हर साल दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन ये किया जाता है, जो मुझे मतलब आज इतने सालों से मैं हर साल आती हूँ, हर साल देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे लाडनु में ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सबका दिल जीत लेते हैं। तो जय श्री राम और थैंक यू। क्या था
बिल्कुल जल्दी लगातार आगे बढ़ते रहे। आज जय श्री राम। आज ये करंट बालाजी में बहुत सुंदर भव्य और दिव्य दीपोत्सव हो रहा है। बहुत सुंदर दुर्गा दल की प्रस्तुति, मुझे भी दीप जलाकर अपना सहयोग दिया। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, इसका भरपूर आनंद लें। आपका सहयोग ही इस कार्यक्रम की हमारे लिए सफलता है। आ रही है तो बोलो, दुर्गा दल सेवा समिति के द्वारा दीपोत्सव प्रोग्राम देखो हो रही है तो क्या लाग रहे हो? बढ़िया लाग रही है सा। आगे कोई संदेश? संदेश अच्छो अच्छो हो रही है और करता रही जो आप बराबर। बहुत 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 आपका भी धन्यवाद। आज के दीपोत्सव के बारे में, आज का दीपोत्सव बहुत ही अच्छा लगा हमें। ये प्रतिवर्ष इससे भी बढ़िया अच्छा हो ये शुभकामना करते हैं। ऐसे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छे से योगदान दे रहे हैं और बहुत अच्छा दीपोत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खेल जो लोगों में बांट रहे हैं उसको मैंने दो बार आवाज लगा दी। बालाजी मंदिर के सामने तेल की बोतल पहुंचाई। आज के इस दीपोत्सव के बहुत बालाजी को सामने तेल पहुंचाए तुरंत। सभी दर्शकों से निवेदन है लगातार आगे बढ़ते रहें और आपके पीछे जो दर्शक हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें। सभी दर्शकों से निवेदन है एक जगह खड़े ना रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें और पालन करते रहें। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। दुर्गा दल सेवा समिति पिछले 3 सालों से लगातार इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर के आ रही है। एक जगह खड़े रहकर रास्ता ब्लॉक ना करें, आपसे निवेदन है लगातार आगे बढ़ते रहे। और सभी दर्शकों से निवेदन है लगातार आगे बढ़ते रहे और रेलिंग व्यवस्था का पालन करते रहे। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, आपका सहयोग अपेक्षित है। कार्यक्रम का आयोजन आज दीपोत्सव के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हर साल ये आयोजित किए जाने वाला दीपोत्सव बहुत ही आकर्षित है और यहाँ पे बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, साथ ही साथ अंगारों पर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ झांकियां और दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूंगी कि ऐसा ही होता रहे और बालाजी मंदिर में हम ऐसे ही एंजॉय करते रहे। लाडनू का एक आकर्षक केंद्र बन गया दीपोत्सव, बहुत ही फेमस दुर्गा दल द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही बढ़िया। आज के दीपोत्सव दीपोत्सव बड़ा आनंददायक माहौल है और ये हर साल होना भी, हर साल होता है और होता रहेगा और प्रभु श्री राम की कृपा से आनंद में है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्रोग्राम कर रहे हैं? प्रोग्राम तो के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा करते रहे, होता है वैसे करते रहे और आगे बढ़ाते रहे परंपरा को। जय श्री राम।
आज दीपोत्सव के बारे में क्या कहेंगे? हम ऐसा कुछ हर साल ये होता है, ये यहाँ पे करण बालाजी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है लाडनू में, और बहुत अच्छा दीपोत्सव होता है। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आस्था के साथ इसको करते हैं, बहुत अच्छा है। मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, और सबको भगवान की आस्था में उनके विश्वास उनसे उन पे विश्वास करना चाहिए, और अच्छा उनके साथ जुड़ना चाहिए, धार्मिकता को बढ़ाना चाहिए। ये भाई दूज के अवसर पे यहाँ पे करण बालाजी में लाडनू में आयोजित किया जाता है, हर साल किया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत मेहनत बहुत परिश्रम करते हैं, जिससे लाडनू की चमक अलग हो जाती है। वहाँ पे पानी पहुँचे। आज के दुर्गा दल दोबारा बोलो। बहुत अच्छा, हर बार होता है यहाँ पे, हर साल होता है, और बहुत मजा आता है। मेरे पीयर में तो नहीं होता है तो कुछ यहाँ होता है, 10 साल से आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, बहुत मजा आता है, एक्साइटेड रहते हैं बहुत ज्यादा कि दीपोत्सव होगा, वहाँ जाना है। जो दुर्गा दल की सेवा है जो कर रहे हैं, बहुत 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 बढ़िया, बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे सब कुछ दियो में तेल डालना, जो बुझ जाते हैं उनको सबको एकदम देखना, बहुत अच्छा लगता है सब। चलो थैंक यू। Oh,
सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है रेलिंग की व्यवस्था का पालन करते हुए आगे बढ़े, एक जगह खड़े होकर रास्ते को ब्लॉक ना करें। ये कार्यक्रम आगे बढ़ते रहे, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, आपका सहयोग की हमारी सफलता है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहें और कार्यक्रम का आनंद लें। कार्यक्रम के लिए जो रैली की व्यवस्था की गई है उसका पालन करें। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अपने अपने खंड में
जय हिंद दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट दीक्षांत हिंदुस्तानी वीकेपी एंड बीपीएस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शहर लाडनू के अंदर स्थित करंट बालाजी मंदिर परिसर में दुर्गा दल सेवा समिति के द्वारा 31वां भव्य दीपोत्सव समारोह का आयोजन हो रहा है और शहर के सैकड़ों की संख्या में नागरिक निरंतर यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। मंदिर परिसर को बहुत सुंदर रूप से सजाया गया है और रंग बिरंगी मनमोहक रंगोलियां आप जैसा ही पीछे देख पा रहे हैं, राम राज्य की और अयोध्या का राम मंदिर नई नई थीम के ऊपर यहाँ पर बनाई जाती है। इसी प्रकार आप बाहर 51,000 दीपकों के माध्यम से मंदिर परिसर को बहुत अच्छे रूप से यहाँ सजाया गया है। विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, मिट्टी की कलाकृतियां और पूरी टीम काफी लंबे समय से यहाँ लगी हुई है और इस आयोजन की निरंतरता इस आयोजन को और अधिक भव्य बनाती है। दुर्गा दल सेवा समिति के द्वारा प्रति वर्ष इसमें नवाचार का समावेश करते हुए एक सुंदर आयोजन ये नगर में संपन्न होता है। आप सभी भी जरूर इसको देखने के लिए पधारे, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पे दीपक की रंगोलियाँ देखी अलग अलग। अच्छा, आप प्रति वर्ष आते हैं इसी बार? नहीं, हर साल आते हैं। बहुत अच्छा होता है प्रोग्राम। थैंक यू। ये दुर्गा दल का एक बहुत सुंदर आयोजन हमारे लाडनू नगर में हो रहा है और बरसों से ये आयोजन यहाँ पर आयोजित हो रहा है, क्योंकि मैं साक्षी हूँ इस कार्यक्रम का। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ही छोटे स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रति वर्ष दुर्गा दल ने प्रयास करके एक सुंदर आयोजन हमारे इस नगर को दिया है और इतना अच्छा आयोजन इस नगर में ये हो रहा है कि जहां पर आप देखिए कि ये मुझे लगता है कि एक विशेष उल्लेखनीय आयोजन है, कि एक धार्मिक आयोजन के रूप में हम इसे कह सकते हैं, जहां पर हमारी बड़ी संख्या में हमारी माताएं आ रही है, हमारी बहनें आ रही है, छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़े पुरुष आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग यहां पर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक विशेष बात है। इस कार्यक्रम के पीछे जो थीम है वो धार्मिक भावना की है। आप देखेंगे कि दुर्गा दल ने जो दीपों की जो रंगोलियां सजाई है, कहीं ना कहीं उसमें धार्मिकता झलकती है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि चित्रकारी के माध्यम से हमारे देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी गई है और ये सुंदर दीप और साथ में जसना संप्रदाय का नृत्य देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो आज ये नगर का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से ये इस आयोजन के पीछे दुर्गा दल की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं दुर्गा दल को इस अवसर पर उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि हम ऐसे आयोजन हम करते रहे और इन आयोजनों से हमारी धार्मिकता बढ़ती है, हमारी एक सूत्रता बढ़ती है। तो नगर के और भी अन्य लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को आप पूरा देखें, भले सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बीकेपी जो चैनल है लाडनू का इसको प्रसारित कर रहे हैं, हमारे बीपीएस जो यूट्यूब का चैनल है वो भी इसके प्रसारित कर रहे हैं, तमाम हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको घर बैठे भी मिल रहा है, लेकिन जो आनंद आपको यहाँ आएगा वो आपको घर बैठे नहीं मिलेगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि अगले सत्र आप यहाँ आए और इस आयोजन को देखें और दुर्गा दल को धन्यवाद दें। पुनः एक बार आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।